नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं ऑनलाइन स्टोरी डी के मोर में लेकर आए हूँ लाइव ट्रिनिटी कॉलेज पर आपको। और हम यहाँ पर छात्रों से बात करेंगे कि किस प्रकार का आज के प्रश्न पत्र का स्तर आया और कितने कितने नंबर सबको मिले हैं। तो आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ उन छात्रों के पास जो अभी एग्जाम देकर निकले हैं। तो बस आशा करते हैं कि हमारी मेहनत आपको आपका स्कोर बढ़ाने के लिए जरूर कहीं मददगार होगी, कहीं सहयोग हमारा आपके साथ, आपका सहयोग हमारे साथ और हमारा सहयोग आपका साथ लगातार बना रहे। और प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन पर जरूर बेल आइकॉन का बटन जरूर दबा दें अगर आपको इसी प्रकार के नोटिफिकेशन अगर आप जो कि हेल्पफुल होते हैं आपके लिए अगर आप चाहते हैं उन्हें देखना और आप अपना स्कोर बढ़ाना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। एग्जाम सेंटर पर लेकर आया हूँ बिल्कुल जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं संविदा शिक्षक भर्ती में। तो हम स्टूडेंट से थोड़ी चर्चा कर लें कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो सर आपका क्या नाम लिखते हैं? महेश वर्मा। महेश वर्मा जी, वर्मा जी कैसा गया पेपर आपका? पेपर अच्छा गया सर, 115 नंबर। अच्छा अच्छा, तो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? जैसे हम भाषा फर्स्ट देखते हैं हिंदी, उसमें पैरोग्राफ काफी बड़े थे लेकिन पेपर अच्छा था, सरल था, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, और सेकंड भाषा संस्कृत, उसका भी अच्छा रहा, पैरोग्राफ था, कुछ ग्रामर थी और इसके बाद पेपर अच्छा रहा। संस्कृत में क्या पूछा जा रहा था? संस्कृत में ग्रामर कम है और जैसे लिटरेचर से ज्यादा पूछा जा रहा है। अच्छा अच्छा, और कंपलसरी पेपर में? सब में बाल विकास थोड़ा। अच्छा अच्छा, बाल विकास का स्तर कैसा था? बाल विकास का तो हाई लेवल का ही था, बाल विकास इतना नॉर्मल नहीं था। चलिए हमारी नेक्स्ट स्टूडेंट के पास चलते हैं। क्या नाम है आपका? मनीषा। मनीषा जी किस प्रकार का कैसा गया सबसे पहले बताइए आपको? अच्छा, और कंपलसरी पेपर में क्या किस टाइप के जीके वगैरह का क्वेश्चन पूछे गए? थोड़ा लाउडली बोलिए, आवाज नहीं आई। मतलब ज्यादा टफ नहीं था लेकिन बाल विकास से थोड़ा टफ था सेक्शन। बाल विकास टफ था। अच्छा, एक आध क्वेश्चन बताएंगे किस प्रकार क्वेश्चन आ रहे हैं? अच्छा अच्छा, शिक्षण से रिलेटेड है, वो मन बुद्धि किससे। और हिंदी, संस्कृत, बाल विकास। आप क्या लिखते हैं नाम जी? आप क्या नाम लिखते हैं? मेरा नाम संगीता। तो हिंदी में किस प्रकार का आपका पेपर कैसा गया? हिंदी का जो पैराग्राफ था वो तो बहुत सरल थे, है ना। और इसके बाद में ये जो संस्कृत है इसमें से कुछ तो ग्रामर पूछी गई थी और अपठित गद्यांश पद्यांश था। अपठित गद्यांश पद्यांश। और इसके बाद बाल विकास में ये शिक्षण शास्त्र से क्वेश्चन थे सारे। शिक्षण शास्त्र से क्वेश्चन थे। एक आध क्वेश्चन बताएंगे आप किस प्रकार? शिक्षण शास्त्र से रिलेटेड क्वेश्चन थे सर, जैसे कि बालक मतलब कैसे सीखता है। हाँ, अधिगम से संबंधित क्वेश्चन थे। अच्छा अच्छा, विकास कैसे होता है। जी जी, है ना। और बाकी मेरे को याद नहीं है। और ये जो लिटरेचर है इसमें तो लिटरेचर ज्यादा पूछा गया। और हिंदी ग्रामर वगैरह? हिंदी ग्रामर में अपठित पद्यांश गद्यांश आए थे, अपठित गद्यांश, वो तो बहुत सरल था। अच्छा, बाकी लिटरेचर और वो जो अपना शिक्षण था छोटा। तो आपको क्या लगता है कट ऑफ कितना जा सकता है? कट ऑफ का तो सर ये इधर ही जाएगा, 120 से ऊपर ही जाएगा। ओके, चलिए चलिए हमारे नेक्स्ट स्टूडेंट के पास चलते हैं। काफी सभी के चेहरे पर काफी प्रसन्नता देख रही है, सभी का पेपर अच्छा गया है। आइए हमारे अगले स्टूडेंट के पास चलते हैं। क्या नाम लिखते हैं? राहुल वर्मा। राहुल वर्मा जी, आपका पेपर कैसा गया? मेरा पेपर अभी है नेक्स्ट शिफ्ट में। अच्छा, नेक्स्ट शिफ्ट में है। जी जी। तो पूरी तैयारी करके आए हैं? हाँ बिल्कुल, पूरी तैयारी से है ना। अच्छा, तो बधाई हो और बेस्ट ऑफ लक, आपका पेपर अच्छा जाए। थैंक्स। और चलिए हम फिर मिलते हैं आपसे अगले सेक्शन। क्या नाम है आपका? कितने मार्क्स आए सर? आप 100 नंबर आए। 100 नंबर आए हैं। तो आज के पेपर का स्तर क्या रहा सर? बढ़िया है, थोड़ा टफ भी रहा, मीडियम ही रहा, हिंदी से मीडियम रहा था, गद्य खाली गद्य पद पूछा था, और संस्कृत में संधि समाज प्रत्यय और शुद्ध शब्द, उसके बाद पावलाव का नियम, उसका नियम हाइट का नियम, और उसके बाद किंडरगार्टन के बारे में पूछा था। अच्छा अच्छा, और बाकी सब तो ओवरऑल आपका पेपर काफी अच्छा गया, काफी प्रसन्न हैं आप। तो बधाई हो आपको और आने वाले आपके भविष्य के लिए।